नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ विदिशा। अखिलेश ही नहीं, जिस किसी के भी सिर से कभी भी बाप का साया उठता है तो वो सचमुच बेहद अकेला हो जाता है। उसे लगता है कि सिर से छत उड़ गई और पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। खुद को संयंत्र रहते अखिलेश पिता के कोने की पीड़ा छिपा नहीं पाते। वैसे तो अंतिम संस्कार के दूसरे दिन भी पूरा सफाई गम में डूबा था, लेकिन अखिलेश के लिए ये समय बेहद पीड़ा का है। शुद्धि संस्कार के बाद अकेले बैठे अखिलेश ने दो चित्रों के साथ एक भावुक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आज पहली बार लगा बिन सूरज के उगा सवेरा। पोस्ट में दो फोटो भी उन्होंने लगाई हैं। पहली फोटो नेताजी के अंतिम संस्कार के अंत की यानी अंधेरे की है और दूसरी फोटो सुबह सूरज उगने के बाद अस्थियां चुनने के दौरान की है। मंगलवार को अंतिम संस्कार के बाद बुधवार सुबह अन्य रस्में शुरू हुई। सूरज उगते ही कोठी से करीब 500 मीटर दूर स्थित मेला ग्राउंड में अंत्येष्टि स्थल पहुंचे अखिलेश अस्थि संचय की प्रक्रिया के दौरान भावुक हो गए। उनके साथ मौजूद कुनबे के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें हौसला दिया। कपकपाते हाथों से ये रस्म पूरी करने के बाद पूरा कुनबा मुलायम के भाई अभय राम के आवास पर पहुंचा, जहां शुद्धि संस्कार हुआ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी सफाई पहुंचकर अखिलेश को धीरज बंधाया। बिहार के 5 बार के सांसद और विधायक रहे पप्पू यादव शुद्धि संस्कार के समय परिवार की तरह शामिल हुए और उन्होंने अखिलेश का ढांढस बंधाया। इसके अलावा जब हम लोग मान लीजिए कि एमपी भी नहीं थे, उसके पहले भी कितना बार आते थे, एक बार आए थे, कितनी बार आते रहे, बराबर आते रहे और बाद में तो फिर आते ही रहे। नीति जी, हम लोगों का रिश्ता बहुत ज्यादा है। नीति जी, शिवपाल सिंह और अखिलेश यादव को एक करने की पहल करेंगे क्या? शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश जी को एक करने की पहल करेंगे क्या? सर, कल गृह मंत्री नहीं सर, एक सवाल यह सर कि आप आसमान से उत्तर प्रदेश का मॉड्यूल डेवलपमेंट कैसा लग रहा है सर? क्योंकि फूलपुर की आपकी चर्चा होती है, उत्तर प्रदेश में दावा किया जा रहा है कि विकास की बयार है, आसमान से लग रहा है आपको कि हम लोगों को तो जो करना है वहाँ कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सब जगह तो हम लोग सब एकजुट होंगे इसी के प्रयास में। जब हो जाएगा तो बहुत आगे देश आगे। नहीं, चाचा भतीजे को एक करने का प्रयास करेंगे आप? चाचा भतीजे को एक करने का प्रयास करेंगे क्या? तो एक अलग चीज है सर, गृह मंत्री बिहार आए थे और वो उन्होंने जयपुर सब तो एक अलग चीज है जी। हां ठीक है सर, ठीक है जी जी। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि सब दिन यही रहा, मुख्यमंत्री भी रहे तो वो तो हम लोगों को आगे इनको भी प्रमोट करना है। चलिए ठीक ठीक, धन्यवाद। अरे भाई क्या कर रहे हो? काम किया है। अरे तो भी यही है भैया, हाथ को बता सम्मान का भाव रहा है। जब उनका निधन हो गया तो आ नहीं चाहते यहाँ पर आकर के स्थिति में आने का। हम सब लोग काफी दुखद हैं और पूरी पार्टी की तरफ से सबको आए थे हमारे मुख्यमंत्री थे तो हम इसलिए आज हमारे। सर आप जिस मिशन पर लगे हैं कि विपक्षी एकता को जोड़ने के लिए मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव एक महत्वपूर्ण कड़ी थे, इनके नहीं रहने से लग रहा है कि कुछ मुश्किलें होंगी? क्योंकि उनके पुत्र से भी तो पूरी बात हुई नहीं रही है हमारी। हम लोग तो चाहते ही हैं कि सब लोग मिल करके चले, तो उसके लिए तो बात हुई है, लेकिन अभी तो कर दूसरी स्थिति है, दुखी हुई है। लेकिन हम लोग सब कुछ यही चाहते ही हैं कि जितने भी हम लोग पुराने लोग थे सब लोग एक साथ हो जाए। आप लोगों को मालूम नहीं कि हम लोग बीच में भी ट्राई करके पहले थे, तो हम लोग तो चाहते ही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एकजुट हो जाएंगे तो ठीक रहेगा, वही देश के हित में होगा। इसके लिए हम लोग करते ही रहेंगे, उस काम को करते रहेंगे। अच्छा सर, उत्तर दुख की घड़ी और यूपी के प्रति हम लोग आज से कोई सम्मान का भाव है शुरू से नहीं। आप जानते हैं यूपी या बिहार कोई अलग चीज रहता है, पूरे तौर पर शुरू से रहती है फिर। और आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत ही पुराना चीज याद करिए तो जब पार्टीए था तो हम तो यहाँ के प्रभारी भी थे, जनता दल जब एक था ही बनाया लेकिन नेताजी हमारे पिता समान थे और मैंने तो बचपन से लेकर के जितनी भी सेवा कर सकती स्थिति में समय नहीं है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो सब बातें जब ऐसा मौका होगा जब होगा। अभी तो सब कार्यक्रम नेताजी के कार्यक्रम सब होनी है तो इस समय तो कोई फैसले की बात है नहीं। सर देखिए, हर मोर्चे पर हर मौके पर मैंने नेताजी की
जो भी डिसीजन लिया, जो भी लिया, नेताजी के पूछ करके ही, नेताजी के आदेश से ही मैंने अभी तक फैसले लिए। हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं सर, लोग चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए पहले जैसा, तो क्या एक कोशिश होगी फिर से? अभी ये वक्त नहीं है, अभी वक्त नहीं है, ये जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। अभी में तो आप पढ़े हैं, एक संरक्षक की भूमिका आप निभाएंगे क्या? देखिए, जो जिम्मेदारी, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे, और वैसे तो अगर जिम्मेदारी नहीं भी मिलती है तब भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग भी हमारे पास जुड़े हैं, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, उनको सबको हम इकट्ठा करके और उनकी राय से पूरे उत्तर, हमारा दल भी है अभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, हमारा दल भी है, तो सबके बातें सुनकर के, और अभी से क्या, अभी तो कुछ फैसले लेने का समय नहीं है, नहीं है। तो क्या मैनपुरी उपचुनाव को लेकर के जो आपने कहा था चुनाव लड़ने की बात, तो अब देखिए, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों की सेवा करके उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, राजनीति में उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, तो ये तो सब लोग जानते हैं। सर, एक बड़ा मसला है कि अब फैमिली का जो पूरा मामला है, क्या आपको लगता है कि अब जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं से होनी चाहिए, बचनी चाहिए? थोड़ा सा जाना, देखे शकल तो देख लें, कौन बोल रहा है, है? कौन सा है? नीचे नीचे बोल। सर, हाँ सर, सर हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? अरे भाई बोलो, आप बोलो, सब कौन बोल रहा था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। सब किस तरह से देखते हैं अब, क्योंकि नेताजी का जो, उनके जाने का जो एक वो है, वो फिल नहीं हो सकता किसी तरह से, वो क्योंकि नेताजी की एक ये थी कि तमाम लोग एक साथ रहे, साथ हों, तो इसको लेकर भी क्या कोई कोशिश अभी होगी सर? तो कैसे करें बताओ। देखिए, आज तो जो वक्त नहीं है, तो देखिए, हमेशा हमने हमेशा नेताजी की किसी भी बात को नहीं टाला है, कोई बात हो, किसी तरीके की बात हो, मैंने अपने जीवन में जो नेताजी ने कहा तो उनके आदेश का पालन किया है। सर, और अंतिम समय तक नेताजी की सेवा करी है, तो आज तो मुझे नेताजी के न रहने के बाद जो हमारे मन में, दिल में जो संसार है, सिमटा सिमटा दिखाई दे रहा है, तो बस यही है।